किसी का वास्ता नहीं है, सिर्फ बच्चों को है, बच्चों के दिल में घर बैठा तो है। हमारे घर के सामने भी 4-5 कुत्ते पैदा करे थे, बच्चे घर कोई स्कूल नहीं जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से जो यहाँ के कॉर्पोरेटर जिताने के लायक, कहाँ हैं आपके कॉर्पोरेटर? उनका कुत्ता किसी को काटा, जो कुत्ते का मालिक है उसको ये भरने के लिए मजबूर करूँगा। 9 लोगों को कुत्तों ने काटा, जिसमें एक मासूम सी छोटी बच्ची है, एक माइनर सी बच्ची है, जिसके काटने से उसकी आँख चली गई वो बच्ची की। कल जो शाहबाद में जो हादसा हुआ, उसके हादसे के जिम्मेदार शाहबाद के, अगर ये रिप्रेजेंटेटिव अगर जिम्मेदार है, ये कमिश्नर अगर जिम्मेदार है, तो यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से जो यहाँ के कॉर्पोरेटर को जिता के लाए, कहाँ हैं आपके कॉर्पोरेटर? आप लोग ही जिता के लाने यहाँ के कॉर्पोरेटर्स को? कॉर्पोरेटर लापता है शाहबाद के, क्या इस तरह से शाहबाद का डेवलपमेंट होगा? जिस जो यहाँ पर एक MLA रिप्रेजेंटेटिव है शाहबाद का, वो कहाँ है? सो गया घर में, लंदन में है वो। 3 साल से कमिश्नर साहब, 3 अभी तक 30 कमिश्नर बदले, लेकिन एक कुत्ते को नहीं पड़े। क्या कुत्ते इनको लेता को कुत्ते इन्हें कुत्ते को इन्हें लेता को होना बोल तो शाहबाद में पाल रहे की दूसरे जगह शाहबाद में लोग कम होना बोल के पाल रहे हैं, या शाहबाद वालों को काटने के वास्ते काट रहे हैं? इंट्रोड्यूस नहीं क्या मालूम है ना, जो CSP कारपेटर है, जैसे मल्लू वाली साहब है, उनके वार्ड में भी 6 महीने पहले एक औरत को काटा। इससे पहले मैं बोल चुका हूँ कितनी नेग्लिजेंसी है, जबकि ये जो लोग घुसाई भीड़ जो शाहबाद में रोड पे होती है, इसकी वजह यह है कि CMC का मालूम जवाबदारी से काम कर रहा है, जबकि कुत्ते काट रहे हैं। सबको मालूम है हम पीर को, पीर तक जब तक कुत्ते काटे उसका जिम्मेदार कौन है? पीर तक आके पकड़ता, कॉन्ट्रेक्टर को बोले हम पीर तक आके कुत्तों को पकड़ के हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे बोल के बोल रहे, लेकिन पीर तक कुत्तों को बच्चों की जिम्मेदारी, लोगों को काटने की जिम्मेदारी कौन CMC लेता या एडमिनिस्ट्रेशन लेता गुलवर का? इसका जिम्मेदार कौन है? ये बोलना बहुत जरूरी है। ताव फरगड़े बंदू समस्या आलिसिदागा ಈ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬರೀ 1-4 ಜನರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಮೋರಂ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸುಮಾರು 100 ಸರಿ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ದಿನಾನು ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಹಂದಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಏನೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ನಾವು ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕರಿತೀವಿ, ಇವತ್ತ ನಾಳೆಗೆ ನೆಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆನೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯ್ತು, ಘಟನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ PDO ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ PDO ಅವರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಕಮಿಷನರ್ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಲೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚೌಕ್ ಅಡೇಶಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಆಕೆಗೆ ಗಾಯ ಕಚ್ಚಿ 5 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಿದೆ ಮೊದಲಿನ ಪೌರಕ್ತರು ಪಂಕಜ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಶೋಚನೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ನಾಯಿ ವಿಷಯದ ಬಕ್ಕುಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗಲತ್ತ ಸರ್, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಪ್ಪೇನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಕ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? इसलिए हम सबसे दरखास्त करते हैं जरा खुला खुला रहे। किसी का वास्ता नहीं है, सिर्फ बच्चों को है, बच्चों के दिल में घर बैठा तो है। हमारे घर के सामने भी 4-5 कुत्ते पैदा करे थे, बच्चे घर कोई स्कूल नहीं जा रही है। छोटे भाई छुपा काटा, जिम्मेदार कौन है? उनको आपकी गुजारिश है, मैं कोई गुजारिश नहीं है हमारे, ठीक है? कुत्ते आप डाल दो, बच्चा के दिल में हमारे दहशत बहुत बैठी थी। बच्चा है जी को सर, ये बच्चा कितना नहीं मोटा लगा सर, बच्चा है। नमस्ते कर, नमस्ते कर। बच्चे को 1 करोड़ रुपए लगा सर, बच्चों के मालूम है, बच्चा पाऊ बोला ने, ये बच्चों को बात करने नहीं आता आज भी सर। 13 साल का हुआ, अभी चलने लग के 2-3 साल हुआ सर। हराम है कुछ आपको, कुछ एक प्रॉब्लम है उसको, ये पूरे गांव से मिला हुआ है सर। हाथ मिला घटने ತುಂಬಾ ವಿಷಾದದ ವಿಷಯ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಗು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಪಾಪ ಅದ್ರದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವುಗಳು
ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಏನು ನಾನಾಗ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಾಗ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಲು ಏನೋ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಅವಘಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಂಡೇ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಅಭಿಯಾನ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು. ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾವುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಎಬಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನೀ ಚಾಹಿಯೇ ಸರ್, आप ऐसी एबीसी कंट्रोल स्कीम नसबंदी कुत्तों की कर या आप किसी जो भी डिपार्टमेंट है उनको दे दो, कहीं भी दे दो. हमारा डिमांड यह है कि भाई कुत्ते गलियों में, हमारे रोडों पे, हमारे घरों के पास नहीं रहे. एबीसी स्कीम के हिसाब से सर, जो एबीसी स्कीम के एक्ट के हिसाब से स्टेटलाइज करने के बाद, नसबंदी करने के बाद वो कुत्तों को फिर वापस वहीं पे लाके छोड़ना है. हम ये बोल रहे सर, क्योंकि नसबंदी करने के बाद इसे बायोलॉजिकल रिपोर्ट के कुत्ते बहुत एग्रेसिव होते हैं सर. नसबंदी करने के बाद, नसबंदी किसी की भी करो वो बहुत एग्रेसिव होता है, ये तो जानवर है सर. इस मुद्दे के लिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. तो सर एक चीज है, हमारा डिमांड क्या था कि आप स्पेशलाइज करो, नसबंदी करो, कॉर्पोरेशन में रखो, कमिश्नर साहब के घर में रखो, हमारे को मतलब नहीं. कुत्ते हमारे रोड पे नहीं रहना, हमारे बच्चों के अड़ोस पड़ोस में कुत्ते नहीं आना. मुंदिन वारदल मान्य शासक बढ़ता इधर है, ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಜನಸಭೆ ಮಾಡೋಣ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏನೇ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. Now we have to think of the future. Sir, if anyone wants to keep a pet, they have to seek permission from the CMC. अगर वो कुत्ता कभी बच्चा यहाँ पे बहुत लोग हैं पर्सनल नहीं नहीं रुको जरा पर्सनल लोग बात अगर वो अगर उनका कुत्ता किसी को काटा उनका कुत्ता किसी को काटा जो कुत्ते का मालिक है उसको ये भरने के लिए मजबूर करूंगा. मस्त शाबाद नागर के नमस्कार. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರೋ ಮಾಲೀಕರು ಅವರು ನಾಯಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತು, ಇದು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರೇ ಭರಿಸುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಇದು ಮಾಡಿ ಕೆರಳಿಸಿ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಹಾಬಾದ್ ನಾಗರಿಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ शाहबाद के संगठन और शाहबाद के नागरिक आज यहां पर शाहबाद में कमिश्नर ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट एक एहतजाज किया गया है. यहां पर एजेंडा बहुत क्लियर है. मैं समझता हूं कि कल जो शाहबाद के अंदर जो कुत्तों का आतंक हुआ, यहाँ पर जो जंगली कुत्तों का आतंक हुआ जिसमें कई सारे 9 लोगों को कुत्तों ने काटा, 9 लोगों को कुत्तों ने काटा जिसमें एक मासूम सी छोटी बच्ची है, एक माइनर सी बच्ची है जिसके काटने से उसकी आंख चली गई वो बच्ची की. तो उसी वही गुस्से में आज शाहबाद के पूरे लोग जमा होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. देखिए ये जो कुत्तों का आतंक चल रहा है, ये कुत्तों का आतंक ये मुसलसल पिछले कई सालों से कुत्तों का आतंक चलते जा रहा है. 15 जुलाई को हम लोग एक प्रोटेस्ट शाहबाद में करे थे यही कुत्तों के मामलों को लेकर. 16 को हम कॉरपोरेशन कमिश्नर के ऑफिस के सामने हम लोग करें और वहाँ पर हम हमारे डिमांड्स को रखें कि ये डिमांड को आपको फुलफिल करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो मेयर इलेक्शन में हम लोग आकर प्रोटेस्ट करेंगे बोलकर. और डिमांड फुलफिल ना होने की वजह से हम लोग मेयर इलेक्शन में आकर मेयर इलेक्शन को रुकाकर वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करें.
और वहाँ पर कमिश्नर आए, कमिश्नर आकर ये कहे कि हम लोग इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे, कुत्तों को बुलाकर वो जो पकड़ने वाले हैं उनको पकड़कर कुत्तों को पकड़ने लगाएंगे बोलकर। मगर सर को ये भूल गए उन्होंने, ये इशू सिर्फ सिटी का नहीं था, वो जो प्रोटेस्ट था हमारा पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोटेस्ट था वो। आज अगर वो टाइम पे अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन पूरे तालुका में अगर ये एक्शंस लेते तो आज शाहबाद में ये इंसिडेंट नहीं होता था। ये अगर ये आज इंसिडेंट हुआ तो उसका जिम्मेदार कॉरपोरेशन कमिश्नर है और ये तालुका कमिश्नर आते हैं, ये पूरे तालुका कमिश्नर। आपको बताना चाह रहा हूँ गुलबर्गा में टोटल 3 साल में 6000 डॉग अटैक केस है, 6000 डॉग अटैक है, जिसमें छोटे बच्चे ही है। शर्म आना चाहिए इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ कर, और एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आना, छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चे है। याद रखिए आवाम को मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई MLA के बच्चों को कुत्ते नहीं काटते, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों को कुत्ते नहीं काटते। ये जो कुत्तों का जो आतंक है ये गरीब मुस्तहिक लोगों के ऊपर आता है ये आतंक हमेशा, और ये सारा ये पूरी जिम्मेदारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन की आती है, और यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पूरे फेलियर है। यहाँ पर वो MLA हो, MP हो, या हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हो, ये तमाम लोग फेलियर है। आप लोग BJP से आप बताते माइनॉरिटीज को BJP से बचा तुम बोल के बोलते, पहले कुत्तों से तो बचाओ, बाद में वो BJP हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन वो अलग शक्ल है वो बचाने का, पहले कुत्तों से तो बचाओ आवाम को। आवाम आपको वोट डालती है उनके लाइफ और लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप लोग ना उसकी लाइफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना उनकी लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ करप्शन चल रहा, हर डिपार्टमेंट में जॉब को करप्शन चल रहा। अगर कोई ऑफिसर को पूछते हैं तो बोलते हैं पैसे देकर हम फ्री में नहीं है, आप जॉब किसको कंप्लेन करते करो बोलकर। इस तरीके से गुंडागर्दी चली, और यहाँ तक कि जब हम जनता परिवार से आवाज़ उठाते हैं तो लोग वहाँ पर अपोजिशन बोलकर हम लोगों को टारगेट किया जाता है, बोलते हैं कि हमारे पीठ पीछे सूत्रों से हमारे को ये मालूम पड़ा कि आप अगर बोलेंगे तो हम जनता परिवार के लोगों को उठाते हैं हम लोग। यार अगर आप लोगों को अगर हमको मारना है मारो आप हमारे को, मगर काम करके मारो। आप बताओ लोगों के कि देखो फलाना हम जनता परिवार ये सवाल उठाई थे हम ये काम करें, फलाना ये बोले थे हम ये कर बताए, आपको बताना है तो काम कर बताओ आप, जब हम आप लोगों की इज्जत करेंगे और रिस्पेक्ट भी देंगे हम आपको। बहरहाल मैं आज तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि ये डॉग बाइट इशू छोटा इशू नहीं है, पूरे इंडिया में 20,000 लोग मरते हैं कुत्ता काटने से, एक साल में 20,000 लोग मरते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल इशू है। पूरे इंडिया में 24 लाख डॉग अटैक केस है जिसमें छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं। तो मैं तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में इसके लिए आवाज़ उठाइए, और तहसीलदार यहाँ पर रहते हैं हम उनको ये डिमांड रखें कि यहाँ पर ABC स्कीम से जो ABC स्कीम एक्ट के हिसाब से जो कुत्तों को यहाँ पर लाकर नसबंदी कर कुत्तों को वापस ला के छोड़ना है, हम बोल रहे कि वापस ला के नहीं छोड़ना। आप वो कुत्तों को अपने डिपार्टमेंट में रखो, कॉरपोरेशन ऑफिस में रखो, कमीशन ऑफिस में रखो, कहाँ रख ले तो रख लो, मगर जहाँ पे हमारे घर है और जहाँ पर हमारे बच्चे खेलते हैं वहाँ पर कुत्ते नहीं चाहिए हम लोग। दूसरा हम ये डिमांड करें कि शाहबाद के अंदर तकरीबन ऐसे कॉरपोरेटर्स है जो इरेगुलर नेजिलेंसी है, कोई काम नहीं करते। यहाँ पर प्रोटेस्ट में आवाम आई थी मगर कोई कॉरपोरेटर नहीं आया, सिर्फ एक अमजद जो GDS के कॉरपोरेटर है वही यहाँ पर रहे थे, और एक डिफिटेड कॉरपोरेटर मस्तान पटेल वो यहाँ पर रहे थे। तो तहसीलदार से हम ये भी रिक्वेस्ट किया, कर्नाटका म्यूनसिपालिटी एक्ट के हिसाब से तहसीलदार एंड DC हैज़ राइट टू टर्मिनेट दोज कॉरपोरेटर फ्रॉम देयर ड्यूटीज़, ठीक है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करें कि ऐसे नाकारा कॉरपोरेटर्स को यहाँ से टर्मिनेट किया जाए इसके अंदर। अस्सलाम नमस्ते जय हिंद भाइयों, हम जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से आज जो प्रोटेस्ट किए थे, प्रोटेस्ट का कारण सारे डिस्ट्रिक्ट को पता है और सारे डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नरों को भी पता है। जो कल का हादसा हुआ वो बार बार कहने से जो है ना दिल को तकलीफ होता है, जो एक मासूम बच्ची को आँख फूट गई है उसकी, जो बढ़ने वाली बच्ची है, बहुत कुछ है। आज कल उनकी बच्ची भी, आने वाले वक्त में हमारी और तुम्हारी भी बच्ची हो सकती बोलकर जो है ना इस बात को जो है ना बहुत गहराई से सोचकर जो है ना जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है ना एक सोच चलाए के आकर जो है ना शाहबाद में प्रोटेस्ट करेंगे। तो जिसका साथ जो है ना हमको बाखूबी से तमाम संगठनों से और तमाम पार्टी के कुछ सोशल वर्कर से भी मिला, लेकिन हम पिछले 3 घंटे से चिल्ला रहे हैं कि 1 नंबर से लेकर 27 नंबर तक टोटल 27 कॉरपोरेटर है, आओ आओ बोलकर, कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। सिर्फ जो आए हैं वो JDS से MD अमजद हुसैन और कांग्रेस से MD मस्तान हुसैन, ये दो लोग एक ही वार्ड के हैं। तो ये दो लोग जो है ना जितने भी प्रॉब्लम्स थे ये जो कुत्तों को लेकर जो बच्चों को काटे, तो यहाँ पर मीडिया में सिर्फ कल एक ही बच्चे को दिखाया गया जो हॉस्पिटल में एडमिट है। टोटल कल के डेट में 9 लोग को कुत्ता काटा है, जिनमें से बूढ़े बुजुर्ग भी है। सब में ज़्यादा डैमेज उस लड़की को हुआ, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि हम लोग जो एक महीना पहले जो प्रोटेस्ट किए थे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस के पास, और उनको ये बताए थे कि कमिश्नर नहीं रहने के बाद कोई उनसे बड़े अधिकारी जादव साहब बोल के उनके हाथ में दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है ना 1 वीक में जो है ना सारे जितने भी डॉग है उनको पकड़ कर ले जाएंगे। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी नसबंदी कर वापस लेकर कर छोड़ रहे हैं, और वो कुत्ते जो है ना भेड़िए बन गए अभी। तो हम जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से यही डिमांड की है कि उन पर जो है ना एक बजट आता तो उनको कहीं ज़मीन लेकर जो है ना लॉक डालो, जैसा हमारे लोगों को जैसे चोर चकार को जैसा जेल में बंद करते हैं, वैसा कुत्तों को भी जो है ना एक जेल बनाकर वहाँ पे बंद करके जो है ना हमारे गलियों में हमारे शहर में मत छोड़ो बोलकर जो है ना हम इस बात की जो है ना डिमांड रखे है। और जो लड़की है वो लड़की की जो आँख टूटी है उसका शादी का खर्चा तक जो है ना उठाने के लिए जो है ना डिमांड रखे हैं। तो तहसीलदार साहब जो है ना बोले हैं कि ऊपर हाई लेवल में बात कर जितना होता उतना करेंगे बोलकर, और हम आपसे ये अपील करते हैं कि आपका एरिया सुधारना है बोलकर आप एक कॉर्पोरेटर चुनते हैं, एक एमएलए चुनते हैं। जब वो कॉर्पोरेटर जब आपके मुश्किल वक्त में आपके पास नहीं आता है, वो एमएलए नहीं आता है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको अगर ऐसा ही रहने की आदत पड़ी है तो हम कुछ भी मत करो, घर में बैठकर फेसबुक पे कमेंट कमेंट लाइक लाइक और दूसरे बातें याद दिलाते बैठो। अगर आपको अगर कुछ बदलना है तो अपने एरिया का जो है ना आने वाला इलेक्शन है कॉर्पोरेटर इलेक्शन में एक नया जिम्मेदार चुनो, उसको जो है ना जिताओ। अगर 500 में लोगे तो ऐसे ही कुत्ते काटेंगे, ऐसे ही रोड मिलेंगे तुमको। जो चल रहा है आप देख रहे हो, आप समझदार हो, दिल को मत लगा लो मेरी बात। ये स्पेशल कमेंट कमेंट जो करते हैं ना, वहाँ कुत्ता काट रहा, कितने पैसे मिले, और बहुत सारे लोग जो है ना जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को जो है ना घर से उठा तो बोल रहे जनता परिवार में अलहमदुल्ला ये देश को जो है ना कईयों लोग अपनी जान दिए बोल को जो है ना आज हम बोल सक रहे हैं ये डेमोक्रेसी देश बना से। तो जनता परिवार से जो जुड़ा हुआ है ना वो भी जो है ना ये ही आज़ादी पे जुड़ा हुआ है। ऐसे घर से उठाने वालों को बहुत देखे से आए और चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है ना हम सोशल वर्क करते हैं और करते ही रहेंगे। सरकारी आस्पत्र जनरन्न व्यवस्थित वाद ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಬಾದಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಈ ಭಾಗದ MLA ಅವರಿಗೂ ಕಣ್ತೆರೆದು ಶಾಬಾದಿನ ಜನರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು.